हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना सुपर इजी कलरफुल आई मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ये प्राइमर वाकई बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन को इल्यूमिनेट भी करता है और आपकी स्किन को अच्छे से प्रेप भी करता है। मैं अपनी हर वीडियो पर ये प्राइमर यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है, मैं इसे बिल्कुल स्किप नहीं करती। और इसको लगाते ही फेस पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, इसे मैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का कंसीलर। ये कलर करेक्टर स्टिक है, काफ़ी अच्छा कंसीलर होता है ये। इसे मैं अपने आइज़ पर लगा लूँगी। मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं तो मैं ज़्यादा कंसीलर अप्लाई करूँगी और फिर उसके बाद मुझे अपने फेस में जहाँ जहाँ मुझे अपना फेस हाईलाइट करना है मैं वहाँ वहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूँगी। नोज़ पर, चीक्स पर और माउथ एरिया के पास, और जहाँ जहाँ आपको अपना फेस हाईलाइट करना होता है आप वहाँ वहाँ कंसीलर अप्लाई करें और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कंसीलर लगाने के बाद मैं अब फाउंडेशन लगाऊंगी। ये मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन है और इसका शेड नंबर है 220। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन होता है ये, और इसे मैं थोड़ा सा लूँगी अपने हैंड पर, फिर इसे मैं डैब डैब करके अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और मैं फिर इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपने फेस पर लैक्मे का लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, लगा रही हूँ। फाउंडेशन लगाने के बाद अपने फेस पे पाउडर ज़रूर लगाएं जिससे आपका ये बेस अच्छे से सेट रहेगा। और आप इसकी जगह सेटिंग स्प्रे भी डाल सकते हैं। मैंने सेटिंग स्प्रे नहीं डाला, मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया है। आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं अपना बेस को सेट करने के लिए। की कंटोरिंग पैलेट 5 कलर कंटोरिंग पैलेट है, 24 आवर वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग है और इसमें 5 कलर्स हैं। इसमें कंसीलर भी है और कलर करेक्टर भी है और कंटोरिंग के लिए भी है। मैंने सबसे डार्क कलर यूज़ किया है कंटोर करने के लिए। फिर मैं इसे अपने चीक्स बोन में लगा लूँगी और नोज़ पे लगा लूँगी, फोरहेड पर लगा लूँगी। जहाँ जहाँ मुझे कंटोरिंग करनी है अपने फेस पे वहाँ वहाँ मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से कंटूर कर लूँगी फेस को। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पैरिस का ये ब्लश। काफ़ी अच्छा ब्लश है, इसमें 3 शेड्स हैं, लाइट शेड से लेकर डार्क पिंक शेड तक हैं और एक बार लगाने पे इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा आता है। काफ़ी स्मूथ ब्लश है, काफ़ी अच्छे से आपके फेस पर लग जाता है और काफ़ी रोजी सा कलर आ जाता है। और इसे मैं अपने चीक्स पर लगा लूँगी और नोज़ पर लगा लूँगी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लेस की आई शेडो पैलेट। मेरी फेवरेट आई शेडो पैलेट है ये। इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पिगमेंटेड कलर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये पैलेट, मुझे बहुत पसंद है। और तो अब मैं अपना आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है येल्लो कलर, उसे मैं अपनी फिंगर से अपनी आइज़ पर लगा लूँगी। दोनों आइज़ पर इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। सारे कलर्स लगाने के बाद मैं ब्लेंड करूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर है, ऑरेंज पिंक कलर है ये, इसे भी मैं अपनी दोनों आईज़ पे लगा लूँगी। और फिर मैंने लिया है ये पर्पल कलर। ये पर्पल कलर वाकई बहुत ही प्यारा था, एकदम शाइनिंग थी इसमें बहुत अच्छी और काफ़ी अच्छा कलर लगा ये वाला मुझे।
तो मैंने इसे भी अपने अपने दोनों आईज पे लगा लिया है। फिर मैंने लिया है ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर है ये, तो इसको भी मैंने अपने आईज पे लगा लिया है। ये चारों कलर बहुत ही अच्छे थे और काफ़ी पिगमेंटेड थे ये कलर, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम प्यारे से कलर थे। आई शेडो अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और हमें अच्छी ब्लेंडिंग ब्रश लेनी है और हमें अच्छे से सारे कलर ब्लेंड कर लेने हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा ये आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया, काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी वे में हो गया ये आई मेकअप लुक, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, ये किस ब्यूटी का हाइलाइटर है, इसमें मैंने गोल्डन कलर यूज़ किया है। और फिर मैं एक फ़ैन ब्रश लूँगी, उसकी हेल्प से हाइलाइटर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। फ़ैन ब्रश से हाइलाइटर बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है, ब्लेंड होता है आपके चीक्स पे, तो हमेशा फ़ैन ब्रश से ही करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका ग्लो आ गया है, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। लिंक मैं सारे प्रोडक्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये किस ब्यूटी का मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये भी। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ NY Bae की रनवे मैट लिपस्टिक, पिंक मैट लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। तो इसे मैं अपने लिप्स पे लगा लूँगी, और सच में इसका पिगमेंटेशन अच्छा है बहुत, तो बहुत ही स्मूथली आपके लिप्स पे ये लिपस्टिक अप्लाई हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में। और ये देखिए मेरा ये मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे और भी ऐसे ही मेकअप के लुक्स शेयर करती रहूँगी। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।